एक व्यूअर का क्वेश्चन है कि गो ऑन के साथ फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कब करना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गो ऑन के साथ हम एक जेरन का इस्तेमाल करते हैं, यानी आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, जब आपको कहना हो कि कोई काम लगातार चलता है या चल रहा है। जैसे वह सोता रहता है, ही गोज ऑन स्लीपिंग। वह नाचता रहता है, ही गोज ऑन डांसिंग। तुम खाते रहते हो, यू गो ऑन ईटिंग। तुम खेलते रहते हो, यू गो ऑन प्लेइंग। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं, गो ऑन के साथ एक जेरन का इस्तेमाल होता है, यानी आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कब करें, या क्या फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है? तो मैं कहूंगा हाँ। ये तीन ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ आप आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी गो ऑन के बाद अगर आप इनमें से किसी वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इन्हें जेरन के शक्ल में न लिखें, यानी आईएनजी फॉर्म के शक्ल में न लिखें, बल्कि आप फर्स्ट फॉर्म में लिखें। जैसे अगर आपको कहना हो मैं एक्सप्लेन करता रहता हूँ, यानी मैं व्याख्या करता रहता हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई गो ऑन टू एक्सप्लेन, यानी मैं एक्सप्लेन करता रहता हूँ। यहाँ आपने देखा कि मैंने गो ऑन के बाद बोला टू, और उसके बाद मैंने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया, यानी आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं किया। अगर आपको कहना हो वह एक्सप्लेन करती रहती है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सी गोज ऑन टू एक्सप्लेन, यानी वह एक्सप्लेन करती रहती है, यानी व्याख्या करती रहती है। तुम बात करते रहते हो, यू गो ऑन टू टॉक। अगर आपको कहना हो कि वह बात करती रहती है, सी गोज ऑन टू टॉक। यहाँ आपने देखा कि मैंने टू के बाद फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया, यानी आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आपको कहना हो वह बताती रहती है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सी गोज ऑन टू टेल। तुम बताते रहते हो, यू गो ऑन टू टेल। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ गो ऑन के बाद मेरा वर्ब था टेल, इसलिए मैंने आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि एक इन्फिनिटिव का इस्तेमाल किया। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं जल्द आपके क्वेश्चन पर वीडियो बनाऊंगा। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन्स के साथ, तब तक के लिए बाय।